प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह के। फिर से और एक बार हम सब फिर से परमेश्वर के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बदलाव को लाया है। हर एक कमी घटी से प्रभु ने हमको बचा के रखा है, उसलिए परमेश्वर के धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। आइए उस परमेश्वर के पास अपने आप को अर्पण करें, उसके चरणों में आ जाएं और अपना जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु के अधीन में अपने आप को दे दें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पितामेश्वर, उनके हर एक योजना को तू पूरा कर, उनके हर एक मनोकामना को तू पूरा कर। प्रभु यीशु नाज़रेती के नाम से प्रार्थना करता हूँ। रिबा शुदुलु खुरिया रखा लबाला बंदा लखिया रबाला बस सुदुलु खुरिया रा। प्रभु परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में तू कार्य कर, हमारे मनों को, हमारे दिलों को तू चेंज कर, बदल दे प्रभु जी, और तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य होने पाए। यीशु नाज़रेती के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के जीवन में तू दया, सच्चाई, अनुग्रह से भर दे प्रभु परमेश्वर। हाँ पितामेश्वर, हर एक के जीवन में तू कार्य कर पितामेश्वर। प्रभु जी, आज के गाने के माध्यम से आराधना तू पाए पितामेश्वर, वचन के माध्यम से पितामेश्वर तू ही आराधना पाए पितामेश्वर, हालेलुया। दया अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करने पाए। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के लिए एक गाने को गाएंगे जिसमें परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा को पाए, हालेलुया। आइए एक गाना को गाएंगे और बहुत पुराना गाना है, हम सब जानते हैं, इसको मिलके हम लोग गाएंगे। कितना हसीन वादाए किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादाए किया खुदाबंद ने, जहाँ जोया तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें, जहाँ जोया तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं रू अपनी जू, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं रू अपनी जू, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार दे जू, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार दे यीशु के सिवाए ये बात कही किसने, यीशु के सिवाए ये बात कही किसने, जहाँ जो यानी जमा हो आज उसमें, जहाँ दो यादें जमा हो मैं हूँ आज उसमें, दस तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने वो माली कलिया लगे खिलने, जिसका बने वो माली कलिया लगे खिलने, जानो या तीन जमा हो मैं हूँ आज उनमें,
जहाँ जो याची जमाओ मैं हूँ हाजी बस सब वो देता है जाए हर दिल में आना यस मास्टर बस सब वो देता है जाए हर दिल में आना मरता उसको रूह से अपनी जिसमें उसे जाना जुड़ाना मरता उसको रूह से अपनी जिसमें उसे जाना जिसका बने वो मानी कलिया लगे खिलने जिसका बने वो माली कलिया लगे खिलने जहाँ दो याद जमा हो मैं हाजी जहाँ दो याद जमा हो मैं इतना हसीन वादा ये किया खुदा बंद ने इतना हसीन वादा ये किया खुदा बंद ने जादो या चीन जमा हो जहाँ दो याची जमा हो मैं हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर के शरण में अपने आप को अर्पण कर देते हैं, अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है हम लोग जब गाने को गा रहते हैं वहां पर लिखा हुआ गाने में हम लोग जब गा रहे थे कि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूँ। आज परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित है क्योंकि आप यीशु के नाम से आज इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के बुलाहट की वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु को प्यार करते हैं बल्कि इस वीडियो को देख रहे हैं और परमेश्वर आपके बीच में खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहने, मेरे से जो बड़े, मेरे से छोटे, उन सबों को मैं कहता हूँ प्रभु आपके संग है, प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, प्रभु आपसे मिलना चाहता है, प्रभु आपसे ओ हर एक दुख वेदना को प्रभु आपके जीवन से दूर करना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर के पास अपने आप को अर्पण कर देते हैं, अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं, अपने आप को संपूर्ण रूप से उनके ऊपर सौंप देते हैं प्रभु जी। हालेलुया रबा शुदुलु खुरिया रबा शंदलखिया रबा लबा शुदुरु खुरिया रा जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर। रिबा खा शदुलु खोरिया रा खला बाला बा शुदुरु खोरिया रा रिबा ला बा शुदुलु खोरिया रा बाला शिदे रिबा ला बा शदला बा शुदुलु खोरिया रा बाला रिबा खला बाला बा शिदे रि खला बा शुदुलु खोरिया रा। पिता में से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के मीटिंग में, पिता वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर, गहराई के डीपली हमको ले चल पिता, वचन के गहराई पर हमको ले चल और पिता में से हमारे जीवन में पिता में से तेरा दया और हमारे जीवन में तेरा दया कृपा असीम प्रेम हमारे जीवन में झलकने पाए, ऐसे तू कार्य कर पिता में से। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने लोग वचन को सुनेंगे और उसके अनुसार अमल करेंगे पिता, उसके वचन के अनुसार चलेंगे वचन के अनुसार, तो उनके जीवन में तू जो बहुताय से आशीष देने वाला परमेश्वर है, उनके कमी घटे को तो दूर करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन में तू कार्य कर, तू दया अनुग्रह से भर दे प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक जीवन में आने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु यीशु, और मेरे जीवन के द्वारा तू दया तू सच्चाई अनुग्रह हर एक के जीवन में कार्य होने पाए प्रभु परमेश्वर, ऐसे तू महान अनुग्रह कारी परमेश्वर, उनके जीवन तू कार्य कर दया कर प्रभु जी। निखाला बाशुदुल्लु कुरियारा पिता में से मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा मेरे मेरे मत मेरे बीच से हो कि तू बातें कर तेरे लोगों के पास प्रकट कर पिता, तू अपने दिल की बात को खोल के वहां पर प्रकट कर पितामेश्वर, जैसे मैं उनको बताने पाऊं पितामेश्वर। मैं अपने आप नियंत्रण में नहीं बल्कि तेरे काबू में होना चाहता हूं, ऐसे तू मुझको कर दे प्रभु जी, दया अनुग्रह कर। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, समस्त प्रार्थना तूने सुना ग्रहण किया, ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद हो, प्रभु ने ये सुंदर अवसर को दिया, जिंदा सही सलामत आप लोगों के बीच में प्रभु ने मुझको रखा, उसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उस परमेश्वर का वचन में हम लोग कुछ मनन करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से प्रभु हमारे हर एक विषय को बताते हैं। हालेलुया। सुबह मैं जब प्रार्थना कर रहा था और सोच रहा था कि मैं संडे को प्रभु क्या वचन दूं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रभु ने कुछ बातों को मुझको दिखाया, वचन को दिखाया, जिससे मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। वचन तो बहुत सारा है, उसको मैं अगर डिस्क्राइब करने के लिए जाऊं तो समय बहुत ही ज्यादा पड़ जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टली 30 मिनट में जैसे करता हूं उसी हिसाब से मैं करने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। आइए हम लोग उस वचन की ओर जाएंगे, मलाकी उसका तीन अध्याय उसके 13 से हम जब 18 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए, ये मसीह लोगों के बारे में ही है जो प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, उनके बारे में दिया गया है। यहोवा यूं कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बात कही है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। हालेलुया। आज मसीह लोग, मसीह के विश्वास करने लोग वाले, वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं, मगर और एक तो बात कहते हैं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में क्या काम किया। हालेलुया। ये जब वचन को मैंने पढ़ रहा तो मेरे जीवन में भी ये बात को प्रकट हुआ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को बोलते हैं, मैं सही हूँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ काम नहीं किया। आप अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को जांचिए, क्या मैं मसीह के साथ सही में हूँ, प्रभु के साथ मैं सही में अपना जीवन को चला रहा हूँ, मसीह के वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ, मसीह का एक एक वचन के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ क्या। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहोवा कहता है, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ वचन को, यहोवा यूं कहता है, यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बात कही है, वो बात क्या है, परंतु तुम पूछते हो, क्या पूछते हो, तुम हमने तो तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। हम परमेश्वर विरुद्ध में कुछ बोलते ही नहीं है। हालेलुया। मगर यहाँ पर वचन क्या आता है, वो लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग नीचे में जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हालेलुया। आज लोग, उन सेवकों के बारे में बता रहा हूँ, वो लोग जो सेवा में अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, पास्टर, वदर, एवंजलिस्ट, प्रोफेट जितने भी हैं, वो लोग जब सेवा में उतरते हैं तो कुछ समय के लिए उनके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट होता है, तो वो लोग बोलते हैं सेवा करना, परमेश्वर का सेवा करना व्यर्थ है बोल के, मतलब क्या नहीं मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु ने आपको धन के पीछे भागने के लिए नहीं किया है मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको परमेश्वर के वचन के पीछे, परमेश्वर के पीछे भागने बोला है, परमेश्वर के लोगों को जो लोग भटक गए उनको आपको लाना है, वो परमेश्वर का सेवा है। हालेलुया। सेवा का अर्थ जानते हैं, सेवा का अर्थ होता है बिना मूल्य क्या। हालेलुया। कोई गरीब को सेवा करते हैं, कोई बीमार को जब सेवा करते हैं उससे पैसा नहीं लिया जाता है। हालेलुया। उसको सेवा कहा जाता है, समाज सेवा के हिसाब से कहा जाता है, सेवा परमेश्वर की सेवा भी और इसी तरह है, बिना मूल्य के हम सेवा करें परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग हो गए हैं जो सेवा के नाम में क्या कर रहे हैं, इंसान से, विश्वासी भाई लोगों से, उनको विश्वास को मजाक बना के उनसे क्या कर रहे हैं, पैसा इट रहे हैं, मैं प्रार्थना कर दूंगा मुझे इतना रुपया दीजिए। हालेलुया। ये गलत है मेरे प्रियो, प्रभु ने तुमको गिफ्ट दिया है, दान दिया है, कैसे दिया है, प्रभु ने कुछ मूल्य लेके लिया है क्या, फ्री में दिया है आपको, तो फ्री में आपको निःशुल्क करना है, तो वो बात तो अलग है, मैं दूसरा टॉपिक में चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है,
हम क्या करते हैं, जब हताश निराश हो जाते हैं, प्रभु के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, वो लोग परमेश्वर को प्रार्थना विनती उपवास बहुत सारे करते हैं मगर कुछ उत्तर नहीं मिलता है, तब वो लोग बोलते हैं कि व्यर्थ है, प्रभु नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, जब काम नहीं होता तो भाग जाते हैं। हालेलुया। तो अब हम नीचे पढ़ते, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन दिया है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया। परमेश्वर के वचन को एक एक को पालन करते हैं, पूरा किया और सेनाओं का यहोवा का डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चलते चलते हैं, इससे क्या लाभ हुआ। मतलब परमेश्वर का वचन को भी पालन करते थे, डर से हम क्या करते थे, उपवास भी करते थे, फिर भी कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। हालेलुया। फिर हम लोग नीचे पढ़ते हैं, आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सुंदर दिया है, मलाखी तीन का, फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ, मलाखी तीन का 3:13-18 को, हम 15 अभी 15 को पढ़ रहे हैं। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से परीक्षा भी कर लेते। तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके शरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। हालेलुया। देखिए, एक ना एक दिन परमेश्वर इसका जवाब देगा। अगर आप इसी तरह से स्थिर होके परमेश्वर से भय के साथ प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, कभी ना कभी प्रभु क्या करने वाले हैं, उसका जवाब देने वाले हैं। अगर आपको कुछ बीमार है तो बीमारी सट से ना चंगा नहीं हो जाता, मेरे प्रियो, मेरे बात समझ रहे हैं, फट से ना चंगा नहीं हो जाता है, उसके लिए 7 दिन 8 दिन कुछ समय के लिए प्रभु उसको रुकता है कि परीक्षा, हम परमेश्वर को परीक्षा नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर हमारा परीक्षा कर सकेगा, हम उसके योग्य नहीं कि हम उसको परीक्षा करें। हालेलुया। हम धीरज के साथ परमेश्वर से जुड़े रहना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। उसी तरह से जो क्या करेगा, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करेगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया उसी दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। जो दिन परमेश्वर का कुछ भी समय हो सकता है, आप प्रार्थना करते रहिए, उसी समय प्रभु आपको क्या करेगा, धैर्य का फल प्रभु क्या करने वाला है, देने वाला है। हालेलुया। और उस दिन वे लोग मेरे नीच प्रजा नीच भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन से क्या करेगा, वो बात को प्रकट करेगा कोमल से, मतलब इतना प्रेम, इतना और इतने प्रेम से आपको क्या करेगा, परमेश्वर आपको अपना बनाएगा, अपना पुत्र बनाएगा। हालेलुया। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट को, दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसके सेवा नहीं करता, उन दोनों को भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन से इस तरह से काम करेगा, मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखिए, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए, फिर देखिए परमेश्वर का अद्भुत कार्य को, परमेश्वर की अद्भुत करुणा को आप जान पाएंगे। हम लोग देखते हैं पहला पत्रस
दो का हम लोग जब चार से छह को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसके उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। कौन है वो? यीशु मसीह है। हालेलुया। और तुम भी आप जीवित पत्थर को नहीं आत्मिक घर बनाते जाते हो जिससे जाजकों का पवित्रता समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। उस यीशु के स्वभाव को आपको लेना है, यीशु के स्वभाव को लेना है, तब परमेश्वर आपका बलि को स्वीकार करेगा। वो बलि क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं अपने हृदय को तोड़ के, अपने जीवन को तोड़ के परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर वो प्रार्थना को ग्रहण करता है। उस प्रार्थना को प्रभु आपके जीवन से ग्रहण करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। घुटने में आके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जब समर्पण कर देते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करेगा। तब आप एक परमेश्वर के लोग जन ठहरेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, आपकी हर एक परेशानी को प्रभु करेगा। मैं 100% दावा के साथ कह रहा हूँ, जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में तौल दीजिए, विश्वास में स्थिर हो जाइए, अपने आप को धैर्य को मत हारिए, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ दीजिए, तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। आप जो नहीं सोच रहेंगे इस तरह से प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी कल्पना से बाहर प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन से क्या करेगा, कार्य को करेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर उसी तरह परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आप प्रार्थना को मत छोड़िए, अपने आप मत बोलिए कि प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, मैं इतना दिन से मैं प्रार्थना करूं कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फायदा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। फायदा होगा। आप फायदे के लिए मत दौड़िए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, प्रभु के पीछे भागिए। प्रभु आपका फायदा है, प्रभु आपका फायदा है, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम लोग नीचे पढ़ते छह को जब पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2:6 को, इस कारण पवित्र शास्त्र में ये आज्ञा है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर घटा हुआ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से भी लज्जित ना होगा। हालेलुया। वो लज्जित ना होगा। लोग बोलेंगे अरे तुम प्रार्थना कर रहे, इतने दिन से तुम प्रार्थना कर रहे, तुमको जवाब नहीं मिल रहा है। हालेलुया। जवाब देने वाला परमेश्वर आपके पास खड़ा हुआ है। हालेलुया। आपका उत्तर परमेश्वर देगा, जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। लोग 7-8 साल से लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करते, ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा हूँ, निरंतर प्रार्थना करते रहे 7-8 साल के बाद प्रभु उनको जब आशीष को देता ना मेरे प्रियो, आप उठा नहीं पाएंगे, इस तरह से प्रभु आशीष को देता है। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु ये कहां से आ रहा है मेरे जीवन में इस तरह से आशीष? परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपके हर एक विषय को सफल करेगा मेरे प्रियो। उस परमेश्वर के पास भरोसा कीजिए, अपने आप को परमेश्वर का निर्माण कर लीजिए, देखिए उस अद्भुतकारी परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर के गौरव को देखिएगा जब आपने आप को समर्पण कीजिएगा। हालेलुया। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें और अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर लें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन की बातें की आप पिता परमेश्वर वचन के दाता धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हरेक को तू दया, तेरा अनुग्रह, तेरे सच्चाई से भर दे प्रभु परमेश्वर, और पितामेश्वर तेरा दया इस तरह से दे उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल करने दे पिता। और जो बीमार में पड़े हैं, जो रोग में पड़े हैं उनको तू चंगा कर, दया अनुग्रह कर पिता। प्रभु परमेश्वर सारे आदर में जब आप उसको देते हैं, तूने हमारा प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है इस प्रार्थना को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah, praise the Lord.
और फिर से मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुँच सके।